हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं दोबारा से रैंक सिमुलेटर का नया एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं इस एपिसोड के अंदर रेफ्रिजरेटर भी खरीदूंगा और उसमें चीज़ें भी भरूंगा, ठीक है ना। सो लेट्स गेट इनटू द गेम। ये हमारा लवली ट्रक है जिसके ज़रिए हम लोग क्राइम्स करते हैं, मतलब कि अपने लिए चीज़ें लेकर आते हैं और हम लोग अपने स्टोर पर पहुँच चुके हैं। अभी परफेक्ट पार्क करा। ये हमारा प्यारा खूबसूरत सारा स्टोर है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने इस जगह भी फिल करा था और यहाँ पे भी चंद चीज़ें ला के फिल करी थी। ये भी फिल किया था थोड़ा बहुत और ये वाला भी थोड़ा बहुत फिल कर दिया था। आज का जो हमारा सीन है ना वो ये है कि आज मैंने लेकर आने हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर। अभी मेरे पास $502 पड़े हुए हैं और इसमें से मुझे $100 जो है वो बैंक में जमा कराना है क्योंकि अगर बिल आए तो वो बिल आराम से पे हो जाए और जो हमारा एम्प्लॉय है ना उसकी सैलरी भी कट जाए। ओके, वर्कर की देखे सैलरी कट चुकी है। हमें यहाँ पे $100 ट्रांसफ़र करना है और मुझे एक लोन लेना है। $1000 का मैंने लोन लिया। मेरे पास $1400 हैं, इनको हम लोग आराम से आकर चुका भी सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे फर्नीचर स्टोर जाना पड़ेगा और वहाँ से जाके लेनी पड़ेगी मुझे हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसा कि एक फर्नीचर शॉप से मुझे लेना है सामान। और वो सामान ये है कि मुझे एक सिर्फ और सिर्फ यारी क्या हो रहा है गाड़ी पागल हो गई है। हाँ, तो मुझे लेना है एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आई थिंक 750 तक का वो आ जाएगा और फिर हम लोग $700 की वो लेंगे। अब देखें, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मुझे बिल भी पे करना है। चलो फिर मैं उधर से जाता हूँ, बल्कि यहाँ से मेरे पास आई थिंक सो एक कार्ड होगा जिससे वो, हाँ ये देखो ना ये है, ये आ गया। आराम से इस पे आएंगे और अच्छा अब मुझे अपने बैंक से उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन मैं अपने कैश को नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ बैंक में ही कर होगा। वीज़ा के अंदर इतना पैसे ही नहीं है। एक मुझे ये लेना है एंड इट्स $750। हाँ, सो इसको बाय कर लिया मैंने। $652 मेरे पास अब इसके बाद पड़े हुए हैं। अब मुझे जैबर शॉप पर जाना है और जैबर शॉप पर जल्दी से चलता हूँ और वहाँ पर जाके मैं सामान लेता हूँ अच्छा खासा, क्योंकि हमारी जो शॉप है पहले से आउट ऑफ स्टॉक होगी हुई है। अब तो आहा, वी आर एट द जैबर शॉप। यार इनको ये दरख्त वगैरह हटाने चाहिए, यहाँ पे क्लियर नज़र आना चाहिए। ओके, यार अब मुझे इसका इसने यही दिखाते रहना है। अब हम लोग चीज़ें लेंगे जो यहाँ पर होंगे। अच्छा, तो ये क्या हमारे पास, वेजिटेबल पिज़्ज़ा नहीं लेना, दूध ले लेते हैं हम। ये क्या, हाँ इसको बाय कर लेता हूँ मैं। और इसके ऊपर अगर मैं रखना चाहूँ तो रख सकते हैं, अभी देखता हूँ मैं किसी तरह। अगर मैं इसको रख लूँ तो वो एक अलग ही अपना ना मज़ा आ जाएगा मुझे। एक सेकेंड, या रख दिया आधा, थोड़ा सा अब लेकर इतना नहीं होगा। ये क्या है, फ्राइज़ हैं और कपकेक्स हैं। देन वी हैव मिल्क गैलन। ये क्या, एग्स हैं, एग्स लाजमी लूँगा मैं, एग्स भी बिकेंगे। मुझे कुकिंग ऑयल भी लेना है, फ्राइंग ऑयल, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें भी मुझे लेनी है ताकि बिक जाएं, क्योंकि इसकी डिमांड भी आती रहती है। वॉफल्स बड़े सस्ते हैं, इनको भी ले लेता हूँ मैं। फ्रिज की आइटम ज़रा मैं ले लूँ ताकि उनको मैं आराम से रख दूँ और वो फ्रिज जो हमारी भर बुरा भी जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। इतनी चीज़ें जो है ना आई थिंक सो काफ़ी हैं। ये मुझे ले लेने चाहिए एक, ये क्योंकि ये तो हमारी बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और सोडाज़ वगैरह भी लाजमी लेने चाहिए मुझे, ठीक है। आगे एक सेकेंड, इसको मैं मोड़ के रख दूँ ऐसे। ओके, और ये हो गया, इसको भी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आ गई ये इतनी, और अब बस मुझे सोडाज़ भी लेनी है। किधर है सोडा, ये आ गई सोडाज़। और इन सोडा यानी कि बोतलों को ड्रिंक्स को मुझे ऐसे यहाँ पे रख देना। डन हो गया। अच्छा जी, अब इनके ऊपर मुझे टूथपेस्ट बहुत सस्ती मिल रही है। $492 हैं इस वक्त मेरे पास। जितने मेरे पास पैसे बच जाएंगे ना उनको मैं जाकर दे दूँगा बैंक के अंदर, ताकि हमारा जो लोन है ना वो ऊपर साथ ही ख़त्म होता जाए। यार कुकिंग ऑयल किधर गया, हाँ ये फ्राइंग ऑयल है, फ्राइंग ऑयल को भी मैं लूँगा। मैं ऑयल की मैंने सारी रेंज रख लेनी है। ये क्या है, कुकिंग ऑयल एल, क्योंकि अच्छा स्मॉल और बड़ा तो ये बड़ा वाला ले लेता हूँ। अच्छी प्राइस पे चल रहे हैं ये, तो लेने में कोई मसला नहीं है। ये
कितने 396 डॉलर्स रह गए हैं, और ये तो इससे भी ज़्यादा सस्ता होगा। हाँ एक ये भी ले लेता हूँ मैं, गुड हो गया। ये हमारे पास नहीं है तो मैं ये नहीं लूँगा, मतलब कि इसको जो रखने के लिए स्पेशल जगह होती है फ्लोर। और ये क्या है, नटी चॉकलेट एंड दिस इज़ आई थिंक सो शुगर। हाँ तो नटी चॉकलेट ये जो है एक मैं ये ले लेता हूँ, बाकी सारे पैसे मैं जाके बैंक में जमा करा दूँ ताकि हमारे जो लोन है ना वो भी चुक जाए। अच्छा जी इसको कर दिया बंद। ये देखो मैं कितना ज़्यादा सामान लेके आ रहा हूँ, बस चेक कर एक सेकंड, ये रुक जाए इसको ख़त्म करने दे यार, ये जो हैं चीज़ें चेक करो इतना ज़्यादा मैं सामान लेके जा रहा हूँ। ओ चलो जी अब हम वापस जाएंगे अपने स्टोर पे और वहाँ पे जाके सबको रिस्टोर करेंगे और बिल भी हमें पे करना है अभी। तो पैसे जो हैं मैंने दे दिए हैं बैंक के अंदर, बैंक को जिनके थे। हाँ ये अपना स्टोर आ गया। सबसे पहले मैं इसको इधर खड़ा करता हूँ गाड़ी को, ये ऐसे आराम से, और पहले मैं बिल पे करता हूँ अपना ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए और बार बार मुझे तंग ना करे। ठीक है सो पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुआ। और यार वीज़ा कार्ड के अंदर मुझे डलवाना है यार, ये क्या है यार, एक सेकेंड को कंटिन्यू करो। हाँ अब मुझे वीज़ा कार्ड के अंदर पैसे डलवाने पड़ेंगे अपने सारे के सारे जितने भी हैं, 150 डॉलर्स है ना। हाँ तो 150 मुझे डलवाना पड़ेगा, 155 रह जाएंगे, और फिर उसका हम लोग आई थिंक तो लोन भी थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं। मुझे ट्रांसफ़र करना है बैंक से 150 डॉलर कार्ड में, डन। ओके बिल पे हो गया हमारा ऑटोमेटिकली, दैट्स वेरी गुड। अब मुझे यहाँ से देखना है कि अच्छा तो अगर मैं बैंक से सारे पैसे निकलवा लूँ 205 जितने भी थे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, अच्छा 205 ट्रांसफ़र, तो मुझे एक वक्त में 1000 ही मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है भाई, बल्कि नहीं मुझे 100 डॉलर वापस जमा कराने पड़ेंगे ना, ताकि अगर दोबारा से वो हो जाए तो 100 डॉलर मतलब कि एम्प्लॉय की फ़ीस 50 डॉलर जो होती है तो मैं 100 डॉलर जमा करवा देता हूँ। अब मुझे इसको जल्दी जल्दी रीस्टॉक करना है। सबसे पहले मैं ऊपर वाली चीज़ें उतार लेता हूँ, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। फ्राइंग ऑयल जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर आएंगी मैं उनको वहाँ पे ला कर रख देता हूँ, और हंगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आएगा यहाँ पर, टूथपेस्ट के साथ कुकिंग ऑयल एस है वो आ जाएगा यहाँ पर, उसके साथ नटी चॉकलेट्स हैं वो मैं इस जगह पे ला के रख दूँगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी यहाँ पे आ जाएंगी। इसको खोल लिया। ओके एग्स, एग्स मुझे लाने पड़ेंगे। अच्छा जी अब मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्रिज प्लेस। ओके सो फ्रिज को मैं इस जगह पर प्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे बेहतरीन, एग्स को रख दिया यहाँ पर, जो जो जहाँ जहाँ पे आएगा उनको मैं वहीं पे रख के रख देता हूँ। चिप्स, चिप्स को रख दिया यहाँ पर, कोला, कोला को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर, उसके बाद ये क्या है, चॉकलेट मिल्क स्मॉल इसको इधर रख दूँगा मैं। उसके अलावा वॉफल्स हैं, वॉफल्स को भी फ्रिज के अंदर रख दूँगा चुप के ये, और बस एक ही चीज़ रहेगी ना मेरे पास और वो हैं चिप्स आर, तो चिप्स आर को मैंने रख देना है यहाँ पे उठा के। चलो भैया जल्दी जल्दी इसको रिस्टॉक करना शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले फ्रिज की आइटम्स को, एग्स हैं, एग्स हैं, एक सेकंड, ऐसे दो आ जाएंगे नहीं आएंगे ये, एग्स को भी रख दूँगा यहाँ पे मैं, और मेरे पास मिल्क नहीं है ना यार, यही बड़ा एक मसला है, मतलब कि प्योर जो सादा ओए है ये क्या है, कितने इसके अंदर क्वांटिटी 7 रह गई हैं आई थिंक सो, 6 क्वांटिटी रह गई है इसके अंदर, तो अब भरने की कोशिश करते हैं। अब जब हमारे बहुत बड़ा स्टोर हो जाएगा कुछ अरसे तक, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे एक पूरा फ्रिज एंड होगा, एक पूरा फ्रिज होगा दूसरी चीज़ों का, वॉफल्स हैं वॉफल्स को ऊपर रख दूंगा यहाँ पर ऐसे, ये तीन तीन ही रखेंगे, पीछे 7 रह गए यानी कि टोटल 10 से हमारे पास आए थे, सो एक और ये 6 हो गए,
इसके साथ ही ऐसे ये एक और आएगा और ये लास्ट डन हो गया। तो इसको मैं ऐसे ही आगे रख देता हूँ। व्हाट इज़ दिस मिल्क? ओके चॉकलेट मिल्क है, वॉफल्स के साथ ही रखूँगा मैं ताकि अपना काम ज़रा बन जाए। 10-10 आएंगे आई थिंक सो इसके अंदर ना। सो दो ही रह रही हैं, एक दो और इसको उठा के इसके आगे। गुड हो गया हमारा पूरा फ्रिज जो है ना वो सेटअप कर लिया मैंने। कोला और नटी चॉकलेट्स जो हैं इनको भी मैं कर लेता हूँ। नटी चॉकलेट पहले मैं कोला को सेटअप करूँगा। ओके सो इनको इधर ये यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कोला को भी सेटअप कर लेता हूँ क्योंकि इसकी भी भाई साहब बहुत ज़्यादा ही डिमांड है आजकल जा रही है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये इधर, ये आ गया यहाँ पे, ये ऐसे गुड हो गया। सारी मैंने ये भी सेटअप वगैरह कर दी हैं। नटी चॉकलेट्स सही है, इसको मुझे उठा के लाना पड़ेगा अपने पास ही ताकि मैं इसको आराम से सेटअप वगैरह कर दूँ। ओके ऑलमोस्ट सेटअप हो रहे हैं हमारे, थोड़ा बहुत ही बस रह गया। अब बस मुझे बस इसके अंदर पैसे पूसे जो है ना वो बैंक को वापस करने होंगे। जब बैंक को मैंने सारे पैसे वापस कर दिए उसके बाद समझो कि अपना काम जो है ना वो हो गया। ये अच्छा जी, ये टूथपेस्ट जो थी इनको मैं लाइन से लगा देता हूँ ठीक है, कि लोगों को लेनी होगी सो वो आराम से आके ले सकें टूथपेस्ट। लाल वाली भी आ गई भाई एक। ओके इसके ऊपर ही रखी जाता हूँ मैं, जब ये जगह फिल हो जाएगी तो आराम से आ जाएंगे ऊपर भी। ये हो गया ऐसे लाल वाली, एक और कितनी रह गई, एक ही रह गई है। बेहतरीन, एक सेकंड ऐसे बेहतरीन। अब बस यहाँ पे हमें चीज़ें लगानी है, जब तक मेरा ये पूरा हो नहीं जाएगा तो मैं इसको रख देता हूँ स्टॉक लेके। बेहतरीन अच्छा, और ऐसे लगेगा कि डब्बे डब्बे पड़े हुए हैं। कैट फूड ये पड़ा हुआ है, ऊपर टी वगैरह पड़ी हुई है, तो कैट फूड को मुझे सारा एक साइड पे करना पड़ेगा। ये इसके साथ ही अपना ये काम हो गया। अच्छा कुकिंग ऑयल मुझे निकालना है, रखना है यहाँ पे। एक सेकंड, दुकान बंद हो गई है क्या? नहीं है। ओके ओहो हो, दो तीन तरह के कुकिंग ऑयल अपने पास आ गए हैं, गुड है। ये क्या वैसे कुकिंग ऑयल एस, हाँ एक ही चीज़ है ना, बस सही है। ग्रीन वाला भी इधर लगा देता हूँ मैं, एक और लाल वाला आ गया। ओह आई जा रहे हैं भाई ये लाल वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो ये अपना काम हो गया, कुकिंग ऑयल लार्ज ठीक है, वो छोटा था ये बड़ा। ओ भाई हमारी हंगर भी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है तो मुझे जल्दी जल्दी से अपनी इसको भी करना पड़ेगा। इधर भी तो इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, ये तो मेरा पूरा नीचे वाला भर जाएगा आई थिंक सो। इससे एक ग्रीन वाले आ गए, एक और लाल आ गया, सो इसको क्या करूँ मैं, इनके ऊपर भी तो नहीं रख, ऐसे रख सकता हूँ, बस इसके ऊपर ही रख देता हूँ मैं ये। और ये ग्रीन आ गया तो इसके आगे रख दूँगा। अभी खा लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी से जाके क्योंकि मैं भूख बहुत ज़्यादा लग रही है बंदे को, मतलब मुझे नहीं बंदे को। ओ भाई साहब इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ये, चल लो भाई बढ़ा लो आगे। ये क्या है? ओके कितना हुआ? ओके पूरा हो गया, हंगर भी हमारी जो है ना वो होगी हुई है ज़ीरो। तो अब हम लोगों को ये लगा के रखना है यहाँ पर, निकाल लो। अच्छा जी तो ये है जी फ्राइंग ऑयल है, वो कुकिंग ऑयल था ये फ्राइंग ऑयल है। ये दो तीन कलर के अंदर तो नहीं आ गया ना, एक ही कलर मेरे क्योंकि जगह आई थिंक सो थोड़ी है मेरे पास, उसको भी फिर हम लोग बाद में ऑप्टिमाइज वगैरह कर लेंगे जैसे जैसे वो आगे काम चलता गया। और फिर इसके अंदर अच्छी खासी हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप लोगों ने लाजमी स्टे ट्यून रहना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाजमी लाइक कर दो। प्रीवियस अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस को नहीं देखा तो उनका लिंक जो आपको आई कार्ड के अंदर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो मिल जाएगा आप लोगों को लिंक वगैरह। ओके, अब सिर्फ आई थिंक सो यही रह गया, मैं उस तरफ की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो नहीं लेकर आया, वो भी आ जाएंगी। इस वक्त $478 हमारे पास मौजूद हैं। सो ये चिप्स हैं, इसको भी मैं अभी अब ऑन करना शुरू करता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या, इसने ऊपर आना है। हाँ, मुझे इसके वो लाना पड़ेगा, हमारी ये जो सीढ़ियाँ, ये मैं खुला रखता हूँ, उसको मैंने बंद कर रख देता हूँ ना ऐसे। ये येलो है, मतलब सबसे नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे येलो है, फिर दोबारा नीचे आएगा। यहाँ पे ये जो पिंक वाला है, मतलब कि थोड़ा सारा यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ, आगे आ जाना थोड़ा सारा यार, इतना बाहर ना आना। ये एक और आ गया, ये एक और। ओके, सो जो ज़्यादा हो जाएंगे उनको मैं जा के रख दूँगा यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। ओके, दोबारा से इतना ज़्यादा ही आ गए हैं, ऊपर ही रख देता हूँ मैं साथ थोड़ा बहुत। अभी तो हम लोग ये जो है ना डिमांड को मीट भी नहीं कर पा रहे, चीज़ों को लेके भी नहीं आ पा रहा मैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतने पैसे ही नहीं हैं। जब ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो फिर हम लोग अपना काम आराम से आगे और भी कर सकते हैं। देखो, गुड हो गया। चिप्स आर जो है मुझे इधर ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई सीन ही नहीं है चिप्स का। ये अब इसको उठा लो यहाँ से, कस्टमर ना गुस्सा हो जाए। ओके, ये यहाँ पे आ गया। तो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड शिमांड चल रही है भाई, हरी वाली भी आ गई हैं और कितनी हैं। ओके, नमकीन आ गई है, एक और हरी आ गई है, गुड हो गया। ये भी मैंने भर दिया, ये भी भर दिया, और ये अपने सारा सामान भरा ही हुआ है। तो बस मुझे इसको ले कर जाना है वापस इस जगह पर, और सबसे पहले मुझे जो बैंक का लोन है ना वो भी मुझे पे करना है, ताकि हम अच्छे खासे पैसे जो है ना और आगे बनवा सकें। बैंक का लोन मेन जो हमारा मसला होता है ना, वहाँ पे $750 की एक फ्रिज थी, वो हमने ले ली है। अब हमारा जो काम है ना वो आगे आराम से निकल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमें फ्रिज के पैसे नहीं देने होंगे। सिर्फ $1000 जो बैंक का था ना वो दे दिया, तो मेरा काम जो है ना वो पूरा हो जाएगा। ऊपर से कितने बने हमें $537, तो ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, मतलब कि चीज़ें सारी बिक जाएंगी, उसके बाद ही मैं आप आगे रीस्टॉक वगैरह कंटिन्यू करूँगा ना। देखो, ये पूरा हमारा शेल्फ जो है ना वो खाली हो गया हुआ है, ठीक है, ये शेल्फ हमारा पूरा खाली हो गया हुआ है। यहाँ से चीज़ें लेनी हैं हम लोगों ने, नो पाइक फिश, सब कुछ लेकर आऊँगा मैं, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं पैसे पूछे चाहिए होंगे, और पैसे बहुत ज़्यादा हमें मेहनत से मिलने वाले हैं। स्नैक्स पड़े हुए हैं, स्नैक्स को ज़रा ध्यान से रख दूँ मैं यहाँ पर। एक सिनेमन बिस्किट पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इनको मैं इसके साथ रख देता हूँ। ओटमील बिस्किट था, सिनेमन रोल्स के साथ रख देता हूँ मैं। चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं दो, ये पड़े हुए हैं, कुकिंग ऑयल पड़े हुए हैं हमारे पास, लोग ले कर जा ही जा रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। नीचे से हमारा ऑयल वगैरह है वो बिक चुका हुआ है, ठीक है ना। टूथपेस्ट हमारी और ज़्यादा जो है बिक रही हैं, और हमारे दूसरे सामान भी बिक रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अभी तो हम लोगों को, अच्छा ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको फिर मैं ऐसे रख देता हूँ ना ऐसे, बल्कि मैं उनको आगे उठा के रख दूँ अगर, एक सेकेंड देख लेने दें, लाल ये है। ओके, सो बस मैं लाल ही रख सकता हूँ, आई थिंक सो। ये एक आ गया लाल, दुकानदार हो गया बंद, चला गया। शॉप ऑटो ऑन रखी है ना मैंने, कि खुद ब खुद ही खुल जाएगी, एक सेकेंड ऑटो ओपन, बस सही है, गुड हो गया। अब जब तक ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती मैं तो आराम से छुट्टियां करूँगा, ठीक है। और जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा बन जाएगा ना, तब हम लोग अपने आगे वीडियो में आएंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सारी मेरी वीडियो थी, बस मैंने कहा था कि मैंने क्या क्या कर लिया है, और इसको लोन जो है ना रिपे करने के अंदर मुझे टाइम लगेगा। सो जब लोन रिपे हो जाएगा तो हमारे मज़े, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आराम से अपनी जो सीरीज़ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, और अब अगला एपिसोड तभी आएगा जब मेरे पैसे मुझे पास अच्छे खासे हो जाएंगे, ताकि मैं और स्टॉक लेके आ सकूं और अच्छी खासी दुकान जो है हमारी शॉप जो है ना उसको भर दूं। इसको कर दिया बंद ऐसे। ओके,
अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के अंदर, एक सेकेंड, ऐसे ऊपर है हमारे कमरे। सबसे पहले वॉशरूम में जाएंगे, वॉशरूम को यूज़ करूँगा, उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये बाथ को यूज़ करने के बाद आ जाएंगे हम लोग बेड पे। एंड दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर, टाइनी यूट्यूबर डीमन बाई स्टैंडिंग ऑफ ए के राना साहब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।